छोटेगांव में इंदिरा कन्याशाला की स्काउटिंग गाइड ने उन लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जिन्होंने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। इन छात्राओं ने समाज एवं देश हित में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नारे लगाकर लोगों को समझाया कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। गोटेगांव के प्रमुख मार्ग से रैली निकलकर नारे लगाते हुए नगर पालिका पहुंचकर इन छात्राओं ने सभी को मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा। वहीं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें समझाइश देते हुए इन छात्राओं ने अपील की है कि वे शीघ्रतापूर्ण वैक्सीन लगवाएं क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है। रैली में प्रभारी CMO सौहार्द मात्रे, इंजीनियर चंदन सिंह, बल्ला उमरे, इंदिरा कन्याशाला प्राचार्य ऋतु जैन, शमशाद बानो, सरिता दुबे, योगेश कहार सहित अन्य जनों ने स्काउट एंड गाइड की जनहितकारी रैली की प्रशंसा की। शहरी क्षेत्र में सभी 18+ व्यक्ति ने जल्द से जल्द प्रथम डोज लगाई है और जिन्हें प्रथम डोज लग गया है उन्हें वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया है। इसके लिए सरकार निरंतर निर्देश देती जा रही है और जैसे दिव्यांगजनों के लिए हमें कल निर्देश प्राप्त हुए थे तो उसके तहत माननीय निर्विभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उन्होंने मोबाइल वैन भी शहर में बहुत जगह मतलब घरों में जाकर दिव्यांग लोगों को कल 40 लोगों को 40 दिव्यांगजनों को उनके घर जाकर वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। रैली के माध्यम से हमारे जो कैडेट्स हैं रानी अवंतीबाई लोधी और रानी लक्ष्मीबाई लोधी के जो दल के लगभग 15-15 बच्चे हैं वो सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर आम नागरिकों को COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने और इसके बाद सभी को सैनिटाइज करवाया और मास्क का वितरण किया।